आज की मांग 277 277। आज की मांग में हमारे प्यारे गुरुजी परम पूज्यपाद सद्गुरु वर्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी कुंडल धाम वाले का ही बहुत अच्छा मार्मिक चिंतन आने वाला है। गुरुजी ने कहा है, मूर्ख को सहन कर लेने में ही बहुत कम सहन करना पड़ता है। यदि हमारे जीवन में कोई मूर्ख व्यक्ति का सामना करना पड़े, ऐसा ही कोई प्रसंग हो गया, जब हमको पता लगा कि वो मूर्ख है, तब हम फाइट करने की बजाय सहन कर ले, उसमें कम से कम सहन करने का हमारे भाग में आता है। यदि हम ऐसा समझे कि वो मूर्ख है, वो क्या समझता है, मैं उसको सब समझा दूंगा, तो वो तो मूर्ख ही है, वो तो समझने वाला है ही नहीं, हमको ही बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसलिए मूर्ख के सामने सहन कर लेना वो ही सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कैसे हम समझ पावे कि ये मूर्खामी का चिन्ह है? सुनिए, जो आदमी अपनी वास्तविक हैसियत से ज़्यादा अपने को महान मानता है, वो ही मूर्खामी की सबसे पहली निशानी है। जो आदमी अपना या और किसी का हित या तो अहित नहीं समझ सकता है, सही मायने में खुद को नहीं पता कि इसमें मेरा भी बुरा होगा, किसी का भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो मानता है ऐसा कि मैं जो करता हूँ सब कुछ अच्छा ही करता हूँ। अब ऐसे मूर्ख आदमी को हम नहीं समझा पाएंगे। प्रभु की कृपा नहीं है कि वो स्वयं अपनी गलती समझ पावे, अपनी कमी को ढूंढ सके। हम जितना भी जो भी करने जाएंगे वो उल्टा ही होगा, वो तो नहीं समझेगा, लेकिन आखिर हमको समझना होगा कि एक गलती हमारी होगी, वो तो मूर्ख है। इससे तो अच्छा है भला पहले से ही हम स्वीकार कर ले। हम रास्ते पे जा रहे हैं, कोई मूर्ख ने हमारे से कुछ पंगा ले लिया, उससे लड़ाई लेकर के जिंदगी बिगाड़ने से तो भला बहुत अच्छा है कि हम हमारी प्रगति के राह पे आगे चलते जाए, एक दिन हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। वो तो नहीं पहुंचने वाला है, नहीं किसी को पहुंच देने वाला है।